हाय गाइस, गुड इवनिंग। मेरा नाम है संदीप कुमार, आप देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल एसपीडीएल टिप्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये बताएंगे कि फेसबुक लाइट में जो फेसबुक लाइट की जो ऑफिशियल ऐप है उसमें आप डार्क मोड कैसे इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, कुछ दिन पहले व्हाट्सअप की ऑफिशियल ऐप में डार्क मोड का ऑप्शन अपडेट किया गया था, सेम उसी तरह से फेसबुक लाइट के ऑफिशियल ऐप में भी डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिल गया होगा। तो दोस्तों, मैं पहले अपनी फेसबुक लाइट में चले जाता हूँ, उसके बाद जैसे मैं अपने ओपन करता हूं उसके बाद मैं आपको यहां से फेसबुक में डार्क मोड इनेबल करके दिखाता हूं। और दोस्तों, अभी आप तक नहीं मिला है तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो पूरी देखना, अगर बीच में छोड़ दिया तो दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, जैसे मैं अपनी फेसबुक ओपन करी उसके बाद टॉप साइड में राइट साइड में थ्री डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक नीचे ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है नीचे सेटिंग एंड प्राइवेसी का, जस्ट इस पर नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको एक डार्क मोड का अलग से ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे ही इसको आप ऑन कर देते हैं तो दोस्तों आपके फेसबुक लाइट बिल्कुल डार्क हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये फेसबुक लाइट का न्यू अपडेट है। तो दोस्तों, अभी तक आपको ये ऑप्शन नहीं मिला है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर से अपने फेसबुक लाइट को अपडेट कर लेना है। तो फिलहाल दोस्तों, मैं जो फेसबुक लाइट यूज़ कर रहा हूँ वो बीटा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि फेसबुक लाइट या व्हाट्सएप लाइट का व्हाट्सएप का जो बीटा वर्जन यूज़ करते हैं उसमें जो भी अपडेट होता है सबसे पहले उसके बीटा वर्जन में ही टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये बीटा वर्जन फेसबुक लाइट या फेसबुक व्हाट्सएप का बीटा वर्जन होता है वो बिल्कुल टेस्ट के लिए ही बना होता है। उसके बाद दोस्तों, अभी तक आपको व्हाट्सएप में डार्क मोड का ऑप्शन नहीं मिला है तो दोस्तों बस आपको 7 या 10 दिन का वेट करना होगा। तो दोस्तों, कुछ दिन बाद आपके सभी WhatsApp लाइट में ये ऑफिशियली डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो में कुछ डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो मिलते हैं इसी तरह के नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।